मेरा नाम सुरखेल है और मैं एक ऑटो एंथुजियास्ट हूँ। पिछले 8 साल से मैं गाड़ियाँ बिल्ड, रीबिल्ड और रिस्टोर कर रहा हूँ। और ये मेरी कारिस्तानियाँ हैं। अस्सलामुअलैकुम, पहली वीडियो कैसी लगी आप लोगों को यार? उम्मीद है प्रोजेक्ट बलिनो पसंद आया होगा। आई बिलीव इसके 3 पार्ट और हैं, 3 पार्ट, टोटल 4 पार्ट्स थे। तो जो सवाल आप लोगों के आ रहे हैं जो अभी तक मैंने देखे हैं, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये वर्कशॉप बैरियर टाउन, अभी यहाँ पे आए थे, कुछ काम चल रहे थे इफ्तारी के बाद भी, कुछ ट्यूनिंग्स थी यहाँ पे, वो कंप्लीट की हैं, तो सभी कर करके फारग हुए हैं, वो टूल्स वगैरह सेट कर रहे हैं। बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अभी तक हमारा एसी नहीं लगा। हम लोगों ने एसी ऑर्डर किया हुआ है लेकिन अपेरेंटली रमज़ान की वजह से वो कोई बैकलॉग ने, तो बट ऑफिस जो है बाकी का सेट हो चुका हुआ है। यहाँ पे एसी लगना है, एलसीडी लग गई है, जियो शियो चलता रहेगा। सो क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन तो ये आया कि भाई गायब कहाँ थे, तो आई बिलीव ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कारिस्तानियाँ जो है वो अब एक सीज़न की शक्ल में आता है। हम लोग काम करते रहते हैं पूरा साल, उसके बाद कंटेंट शूट करते रहते हैं, और फिर जब हमें फील होता है कि यार इतना हमारे पास कंटेंट है कि हम 25-30 वीडियोस जो हैं वो निकाल सकते हैं आराम से, तो फिर हम लोग वो निकाल देते हैं। अब ये प्रोजेक्ट बलिनो जो है ये तकरीबन इसको 8-9 महीने हो चुके हैं मैं कंप्लीट किए हुए। आप लोगों ने पार्क व्हील्स पे अगर हमारी वीडियो देखी हो जहाँ पर उन्होंने इसको हमारी वर्कशॉप पर आके रिव्यू किया था, तो वो भी कुछ 5-6 महीने तो हो चुके हैं उस बात को भी वीडियो बने हुए, तो कुछ 7-8 महीने हो चुके हैं हम लोगों को गाड़ी बनाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको लॉन्ग पे हर तरह से टेस्ट कर चुके हैं, इस्लामाबाद जा चुकी हुई है कई दफ़ा, मतलब काफ़ी उसको लेके फिरे हम लोग। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, बड़ा मज़े का प्रोजेक्ट था। आगे आप लोग देखोगे। क्वेश्चन जो आए, सबसे पहला जो लोगों ने पूछा कि यार इसको आपने इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग पर कन्वर्ट क्यों नहीं किया, हाइड्रोलिक पे क्यों रखा? अच्छा, हाइड्रोलिक हमारा ठीक चल रहा था और करोला का ये जो इंजन था इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के लिए पंप जो है वो ऑलरेडी आता है, तो हमारा प्लान तो ये था कि हम इसको हाइड्रोलिक पे ही चलाएँ, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट करते इसको तो अंदर जो कॉलम की कांड छांड थी वो बहुत करनी पड़नी थी हम लोगों को। हमें अंदर से जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है सारी वो निकालनी पड़नी थी, डैशबोर्ड काटना पड़ना था, हम वो करना नहीं चाह रहे थे। हम पहले चाह रहे थे कि हम लोग उसके जो पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक जिसका अपना ओरिजिनल है उसको टेस्ट कर लें, अगर तो वो चलता है तो ठीक है, अदरवाइज ऑब्वियसली पावर स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक की ऑप्शन तो ऑलवेज देयर, लेकिन वो ठीक चल रहा है, तो कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमें उसको इलेक्ट्रॉनिक पर शिफ्ट कर लेना चाहिए था। तो आई थिंक इट वॉज़ अ गुड मूव टू टेस्ट इट फर्स्ट। हमने टेस्ट किया है, हाइड्रोलिक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कोई इशूज़ नहीं आए, कोई पाइप्स नहीं फटे, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब फटे थे शुरू में क्योंकि हमने पाइप सही नहीं इस्तेमाल किया हुआ था, बट जब हमने सही पाइप लगा दी उसको तो फिर वो पाइप भी नहीं फटा दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहा। दूसरा क्वेश्चन आया कि हमने इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्यों डाली, हमने CVT क्यों नहीं डाला। CVT का प्रॉब्लम ये है कि CVT गियर बड़ा होता है साइज़ में, उसकी वजह से ये था कि हमारी जो इस वीडियो के टूवर्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो जो आप लोगों ने देखी है, इसमें आपको नज़र आया होगा कि हमारा जो गियर है वो स्टेयरिंग रैक जो पीछे कंघी लगी हुई होती है उसके बिल्कुल साथ, इतना सा फासला था उसके अंदर। CVT गियर चूंकि बड़ा होता है तो उसमें फासला रह नहीं जाना था, और अगर हम गियर को आगे लेकर आते तो हमारे जो एक्सल्स की अलाइनमेंट है वो काफ़ी ख़राब हो जानी थी, इसलिए हम लोगों ने इसमें CVT ऑप्ट नहीं किया, हम लोग AT की तरफ ही गए। प्लस AT के अंदर मसले मसाइल कम है, CVT के लिए हमें जो ये स्पीड सेंसर आप लोगों को देखा होगा हमने इस गियर के अंदर डाला था, CVT में वो स्पीड सेंसर नहीं डाल सकता, उसके लिए हमें अपनी गाड़ी की हब्स चेंज करनी पड़नी थी, ABS वाली हब्स डालनी पड़नी थी। हम वो डालते तो उसका एक अलग मसला था क्योंकि सुजुकी और टोयोटा की जो सेंसर है उनमें डिफरेंस है, तो हम लोगों के मसले ख़त्म नहीं होने थे, इसलिए हम वी वेंट फॉर अ सिंपल सॉल्यूशन के जहाँ पे हम लोग को बहुत मसले बाद में ना आए, और AT वाज अ गुड ऑप्शन। हाँ, हम लोगों ने गियर बाद में चेंज किया था, जो कि आप आखिरी वीडियो में देखोगे कि हम लोगों ने गियर चेंज किया था और क्यों किया था, उसकी वजह क्या थी, वो सारी आपको आखिरी एपिसोड जो उसका होगा वहाँ पर मैं बताऊँगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं, मुबारकबाद बहुत आई है नई वर्कशॉप के लिए, थैंक यू वेरी मच। अभी आप पीछे जो देख रहे हो ये सारा हम लोगों ने ग्राउंड अभी बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि अभी कंप्लीट हो गया है, अभी हम काम चल रहा है वर्कशॉप के ऊपर ही, बट हम लोग फंक्शनल हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पैसे दे जल्दी कि हम लोग यहाँ भी टफ टाइल लगवा के लिफ्टें खड़ी कर सकें, बट इंशाल्लाह एवरीथिंग इज ड्यू टाइम। और क्या है, और क्या कमेंट्स आए थे? हाँ, लोग मार्गला के बारे में पूछ रहे थे कि यार मार्गला में भी करो, मार्गला में भी करेंगे इंशाल्लाह जब मार्गला आएगी। प्रॉब्लम ये है कि मार्गला जो अभी तक हमारे पास आई हैं जो लोग कन्वर्जन की बात कर रहे थे, उनकी गाड़ियाँ गली बहुत हुई थी। सुजुकी का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, एक गलती बहुत थी, इनका ध्यान ना रखा गया होता,
ऑब्वियसली अगर एक गाड़ी गली हुई है तो पहले वो बॉडी वर्क करवाएं और फिर इंजन की तरफ आएँ, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी ना तो इतना बड़ा इंजन डालने का फ़ायदा कोई नहीं है, आप पैसे ज़ाया करने वाली बात है अगर बॉडी ठीक ना हो। हमारी गाड़ी की यह कि बॉडी ठीक थी बलिनों की, तो इसलिए हम लोगों ने इंजन चेंज करने की बात की, पता था कि यार अच्छा ये बर्दाश्त कर जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह कर गई बर्दाश्त। हो व्हाट एल्स, हमने बलिनों का इंजन क्यों नहीं डाला, हाँ एक क्वेश्चन ये आया था कि ये जो बलिनों के अपने इंजन है ये साफ़ क्यों नहीं मिलते, उसकी वजह ये है कि ये जो सुजुकी के इंजन है ना, सिवाय 660cc के, 660cc जापान में आया, बट ये जो बाकी हैं ये जापान से ज़्यादा ये ईस्टर्न यूरोप से आते हैं, हॉलैंड वगैरह से आते हैं, तो इन कंट्री से गाड़ियाँ पहले ही मत मार के बेचते हैं वो लोग, स्क्रैप जब गाड़ी होती है वो इंजन की मत मार के बेचते हैं। तो इंजन हमें नए भी जब मिलते हैं ना बिलालगंज से तो वो ब्राउन हुए हुए होते हैं, वो डालने का दिल नहीं करता, वो खोल के पहले सफाई करो उसकी, और वो भी अब कम हो गया, वह काम बहुत साफ़ इंजन नहीं मिलते वो वाले भी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये करोला का इंजन, ये बड़ा लकड़ा सा पत्थर सा इंजन है यार टोयोटा का, ये 1NZ और 2NZ जो है ना, तभी तो ये वो 2005 से लेकर इस मॉडल तक और इसके बाद तक अभी तक वही इंजन ले जा रहे हैं 1300cc वाला। शुक्र अल्लाह का यारिस के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया, मुझे तो डर था कि यारिस के अंदर भी वो 2NZ डाल के ना भेज दें, क्योंकि पाकिस्तान का तो नेशनल इंजन बन चुका है 2NZ हर गाड़ी के अंदर 2NZ टोयोटा ने डाल के भेजा हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने करोला का ऑप्ट किया, पाकिस्तान के किसी भी कोने से इसका सामान मिल जाएगा, प्लस मुझे इंजन बहुत पसंद आया, मैंने बहुत गाड़ियों में पहले ऑल्ट्रेशन किया हुआ है, तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि इंजन अगर हम लोग डाल देंगे तो हमें कोई मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अल्लाह का शुक्र नहीं करना पड़ा, इसकी जो भी चीज़ ख़राब हुई है वो रेडीली अवेलेबल थी हमारे पास हमारी लोकल मार्केट के अंदर। और क्या सवाल आए हैं, और सवाल आए हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग हो गया, व्हाट एल्स, यही था इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी कन्वर्ट करने के भाई ने बात की थी, मसला ये कि फ़िलहाल जो बैटरी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल है वो इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ जाएं, अभी जिस दिन अच्छी बैटरीज आना शुरू हो गई, अल्लाह करे टेस्ला की बैटरीज पाकिस्तान में आ जाएं, जिस दिन वो आना शुरू हो गई उस दिन हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ भी जाएंगे। मेरा अपना एक ख्वाब है कि एक ईवी बनाई जाए, एक मेहरान पकड़ के उसको ईवी कन्वर्ट किया जाए, बट अगेन अगर वो रिलायबल नहीं होगी, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होगी तो फिर करने का फ़ायदा नहीं, पैसे ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे कोशिश मेरी ये होती है कि वो रिलायबल और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हों। तो यह दैट्स इट, आई थिंक अगले फ्राइडे तक का वेट करो, इंशाल्लाह अगला एपिसोड आ रहा है प्रोजेक्ट बलिनो का, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं यूट्यूब पे देख रहा था एनालिटिक्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इस प्रोजेक्ट के ऊपर और अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों, ये आप लोगों के जो व्यूज़ आते हैं जो लाइक्स आते हैं बस ये मोटिवेशन देते हैं हम लोगों को कि हम कंटिन्यू करें अपना ये वाला काम, आगे चलते रहें। पंखा मैंने बंद किया हुआ है, मुझे पसीना आ रहा है, तो मैं अब पंखा ऑन कर दूंगा, क्योंकि मुझे कह रहा है बार बार के पंखा ऑन कर दो, तो पंखा ऑन कर देते हैं ब्रो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।